थोड़ा संयम रहते और थोड़ा वेट करे, देखे किधर जाना है नहीं जाना है, बिना देखे आगे न बढ़े, तो धीरे धीरे लोग अडेप्ट हो जाएंगे और उम्मीद है कि ये ट्रैफिक सिग्नल भी हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कहना चाहेंगे कि ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करेंगे और बच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, हम नियमों को सख्ती से पालन कराएं। यातायात में ट्रैफिक लाइट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सड़क पर ट्रैफिक लाइट ना हो तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कब मूव करना है और कब रुकना है। हमें ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए, इससे हमारी जिंदगी सुरक्षित रहती है। दरअसल भागलपुर में शनिवार को 4 जगहों के ट्रैफिक सिग्नल्स को ट्रायल के लिए शुरू किया गया है। पूरे शहर में 14 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाया गया है, लेकिन ट्रायल के लिए कचहरी चौक, मनाली चौक, तिलका मांझी चौक एवं घंटाघर चौक का शुरू किया गया है। ट्रायल में ही शहर में जाम लगने लगे हैं, ट्रायल की मॉनिटरिंग की जा रही है। कई जगहों पर जाम जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है, सिग्नल में समय को लेकर भी बातें की गई हैं। मनाली चौक पर लगे ट्रैफिक लाइट के समय में बदलाव किया जाएगा। अभी सभी चीजों को देखा जा रहा है, जहां भी परेशानी होगी उसमें बदलाव किया जाएगा। पहले शहर में सैंडिस के चारों तरफ वन वे लगाया गया था, अब इसे खत्म कर ट्रैफिक के नियमों के अनुसार चलना होगा। ट्रायल किया जा रहा है, इसको लेकर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम से सभी चीजें मॉनिटरिंग की जा रही है। ट्रायल में ही शहर में जाम लग रहा है, सिग्नल्स के बावजूद ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ रहा है। वही ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि अभी ट्रायल किया जा रहा है, पूरी तरीके से ये तैयार नहीं हो पाई है। कई जगहों पर डिवाइडर भी नहीं लगाए गए हैं, लोगों को भी अभी ट्रैफिक नियम के बारे में पता नहीं है, सभी को बताया जा रहा है। आगे से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से फाइन भी वसूला जाएगा। वही शहर की यातायात व्यवस्था फिर से वन वे पर आ गई है। ट्रायल के बाद पूरे शहर में आज 24 तारीख से शहर में ट्रैफिक सिग्नल का ट्रायल शुरू किया है। अगले 15 दिन तक ये ट्रायल रहेगा और ये पूरी तरह से हम लोग तैयार नहीं है अभी, क्योंकि बहुत जगह डिवाइडर लगाना बाकी है, इसलिए जाम लगना आम बात है, लेकिन धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। लोगों को भी अभी आदत नहीं है, क्योंकि पहले ट्रैफिक की व्यवस्था डिफरेंट टाइप की थी, जैसे कि वन वे की व्यवस्था थी और पुलिस कर्मी के द्वारा राह दिखाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोगों को आदत ही नहीं है कि सामने ट्रैफिक में ग्रीन जल रहा है, येलो जल रहा है या रेड जल रहा है, तो थोड़ा समय लगेगा और लोगों को भी संयम बरतना चाहिए इस पर कि हड़बड़ाए नहीं, थोड़ा संयम बरते, थोड़ा वेट करे, देखे किधर जाना है नहीं जाना है, बिना देखे आगे न बढ़े, तो धीरे धीरे लोग अडेप्ट हो जाएंगे और उम्मीद है कि ये ट्रैफिक सिग्नल भी हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। सर जागरूक भी किया जाएगा क्या लोगों को, जो जानकारी लोगों को जागरूकता काम तो मीडिया वाला कर ही रहे हैं, प्रिंट मीडिया में चाहे डिजिटल मीडिया में, हर मीडिया में आ रहा है, हम लोग भी जागरूक कर ही रहे हैं और ये जागरूकता का अभियान हमेशा से चलते आ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं। साथ ही ये कहना चाहेंगे कि ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करेंगे और बच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, हम नियमों को सख्ती से पालन कराएंगे और जो लोग उल्लंघन करेंगे उसका फाइन भी वसूला जाएगा, क्योंकि आज ट्रायल है, आज पहला दिन है और लोगों को भी इतना अचानक समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा सतर्कता बरते हुए हैं। सर लाउड स्पीकर का आवाज़ कम है, लोग सुन नहीं पा रहे हैं। कौन लाउड स्पीकर? उसके बारे में अभी नहीं पता, सब ट्रायल में है, देखने दिए और देखते हैं उसमें क्या व्यवस्था, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ सब कुछ किया जा रहा है, तो उसमें एक एक चीज़ को जानना पड़ेगा, जान के फिर हम बताएंगे।